नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द वर्कआउट गुरु। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्राइसेप वर्कआउट की। जो आज हम ट्राइसेप वर्कआउट की जो एक्सरसाइज लेंगे वो हम लेंगे केबल क्रॉस मशीन को। तो देखते हैं हम लोग कौन से सेट है और किस तरह से वो वर्कआउट। दोस्तों हम लोग इसमें पहला सेट लेंगे केबल क्रॉस का, जो रोप पुश डाउन। पहले आप पोजीशन देख लीजिए किस तरह से पोजीशन लेना है और कैसे लेना है। कुछ लोगों को पोजीशन का पता नहीं रहता है, वो ये तो ऐसा मतलब एक इस तरह से नहीं रहती। सबसे पहले हमें पोजीशन किस तरह से लेना है और एकदम ठीक तरह से हमें वो वर्कआउट करना है। देखिए आप लाइट से बाहर आएंगे, चेस्ट अप रहेगी, एल्बो अपने जो अपना साइड का पॉकेट रहता है ना उसके यहाँ पर हमारी एल्बो ठीक तरह से रहेगी। एल्बो आगे नहीं जाएंगे, एल्बो पीछे नहीं जाएंगे, इस तरह से नीचे आएगा और धीरे 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 हमें उसे ऊपर की तरफ छोड़ना है। देखिए मसल को पूरा कॉन्सेंट्रेट करके हमें ये वर्कआउट करना है। ओके, ये होगा ना, ये हो गया हमारा रोप मिलेगा। तो इसके हमें चार सेट करने, जिसपे हमें लेना है हर इसमें 12 रिपीटेशन से लेकर 15 रिपीटेशन, इसके बीच हमें ये वर्कआउट करना है। उसके बाद हमारा सेकंड वर्कआउट रहेगा इजेड बार पुश डाउन। इसका दोस्तों इसी तरह से हमें पोजीशन लेनी है, हिप्स थोड़े से लाइट से बाहर रहेंगे, चेस्ट अप रहेगी, एल्बो हमारे साइड का हमारा जो पॉकेट रहता है पॉकेट के वहाँ पे हमारी एल्बो रहेगी। एल्बो आगे जाएंगे नहीं, एल्बो पीछे जाएंगे नहीं, एल्बो जगह पे रहेंगे। इस तरह से पूरा नीचे डाउन और धीरे धीरे से हमें ऊपर उतरना है। देखो इस तरह से हमें वर्कआउट करना है। सेम इसके भी जो हमने रोप पुश डाउन लिया उसी तरह से इसके भी चार सेट रहेंगे और इसके रिपीटेशन भी सेम 12 रिपीटेशन से लेके 15 रिपीटेशन, इसके बीच हमें ये रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद केबल क्रॉस पे हमारा तीसरा सेट रहेगा, वो रहेगा एंकल का पुश डाउन। वो अब मैं आपको दिखा रहा एंकल का पुश डाउन हमें हमारा पोजीशन है। हमारा ये चेस्ट के पास रहेगा, चेस्ट अप और इस तरह से हमें नीचे की तरफ पुश करना है और धीरे से और फिर से देखो पूरे हमारे ट्राइसेप के ऊपर वो इफेक्ट करेगा। दोस्तों इसी तरह से हमारे जो है एंकल कर पुश डाउन, इसमें भी हमारे तीन सेट रहेंगे जिसमें हर इसमें 12 रिपीटेशन से लेकर 15 रिपीटेशन इतना हमें करना है। ये होगा हमारा तीसरा सेट। अब हम चौथा सेट लेंगे ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन रोप। रोप ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन हम लोग ले रहे हैं। तो अब इसका पोजीशन आप देख लीजिए, इसका पोजीशन सेम ये वाला पोजीशन, ये थोड़ी सी बात चेस्ट अप, हाँ वर्कआउट में चेस्ट अप रखना है। उसके बाद लाइट में हम नीचे डाउन, एल्बो हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे और ये इस तरह से आएगा। दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि जब जिस टाइम हमारा हाथ आगे जाएगा उस टाइम हमें ये जो हमारे रिस्ट है वो लाइटली हमें बाहर की तरफ मूव करनी है। देखो आप इस तरह से हमें वो बाहर की तरफ वो रिस्ट मूव करनी है। इस तरह से हमारा
ग्रुप प्राइस है, ओवरहेड एक्सटेंशन रहेगा, जिसके हमें 3 सेट करने हैं और हर सेट में 12 रेप से लेके 15 रेप इतना हमें रखना है। उसके बाद ये हमारा होगा 14 सेट। हमारा केबल क्रॉस का हमारा रहेगा 5वां सेट, जो कि है केबल किकबैक। हमें नीचे की तरफ से जो केबल क्रॉस है उससे हमें लेना है। अभी ये भी देख लीजिए किस तरह से हमें लेना है। ये हमारी बैक जो है बैक सीधी तरह से रहेगी, बैक में बैक एकदम स्पाइन स्ट्रेट। उसके बाद ये वो पीछे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ हमेशा ढके रहना। दोस्तों ये हो गया हमारे केबल क्रॉस के ऊपर 5 ट्राइसेप के एक्सरसाइज, जो आप आपके जिम में आप एक बार एक ट्राई कीजिए और देखिएगा आपको किस तरह से उसके ये मिलता है, रिजल्ट मिलता है और किस तरह से नहीं। सबसे मेन बात दोस्तों कि हमारे आर्म में जो मसल है उसमें ट्राइसेप हमारा सबसे बड़ा मसल है, तो इसलिए हमें ट्राइसेप पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। अगर हमारा ट्राइसेप बड़ा रहेगा तो हमारा आर्म्स बड़ा दिखेगा और हमारा बाइसेप बड़ा दिखेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। उसी के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलो और बाजू वाला घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।